गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी परपतिम भज्य विश्वनाथम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माँ बाग बागेश्वरी विनापानी भगवती सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जगजननी माँ जानकी की पावन धरती सीतामढ़ी बिहार से महादेव की नगरी काशी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मातृ संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय और उसके पितामह मेरे आदर्श परम पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी भगवत उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। हेलो बनारस। बनारस का ये जश्न, कहीं जिगर साहब ने लिखा कि उनका जो पैगाम है वो, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज के शाम मोहब्बतों के पैगाम का शाम है। काशी की जो अल्हड़ता है, काशी की जो अखड़ता है, उसको अपनी कविताओं में पिरोकर इन दिनों पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर रहे आदरणीय बड़े भाई दमदार बनारसी जी की महनीय उपस्थिति है। जरा आगे से पीछे तक इस महनीय व्यक्तित्व के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। ये आपके लिए हैं, वो हमारी आगवानी में आप सबसे तालियां बजवाए हैं, तो कमजोर तालियां ना बजवाइए, वो मेरे अग्रज हैं। तो जरा मुखर होकर एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के बीच में उनका अभिनंदन कर दें, उनका वंदन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, ये वही काशी है जहाँ नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, सिजदे से अगर बहिष्ट मिले जो दूर कीजिए, दोजख ही सही सर का झुकाना नहीं अच्छा। ये वही काशी है जहाँ के प्रसाद ने लिखा था, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये वही काशी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हर पत्थर जहाँ का पारस है वो जिंदा शहर बनारस है। तो जरा जिंदा क्या बात है, बहुत अच्छे जिंदाबाद। जरा जिंदा होने का सबूत दे दीजिए, मुझ जैसे छोटे हिंदी कविता के विद्यार्थी को आशीर्वाद दीजिए, जरा पुरजोर तालियों के बीच में मुझे आदेशित कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। हम मैं ये बात अक्सर कहता हूँ भैया, अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे मेरे नौजवान साथियों, आपकी उपस्थिति में, आपकी उपस्थिति को रेखांकित करते हुए ये बात कहता हूँ कि हम सब के बाप दादाओं ने हमें विरासत में मोहब्बत सौंपी है। जिनके बाप दादाओं ने विरासत में दहशत सौंपी है, वो आज भी तालिबान के नाम पे बंदूकें उठा रहे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत सही बात। हम वो लोग नहीं हैं जो गरीब और मजलूमों का खून सड़कों पे बहाएं, हम वो लोग हैं जो तिरंगे के लिए जीते हैं, तिरंगे के लिए मरते हैं, और तिरंगे के लिए मरकर अमर हो जाया करते हैं। आइए, आपके आंगन में पहली चार पंक्तियां रखता हूँ, शाश्वत प्रेम की परिभाषा रखने की कोशिश करता हूँ, शायद बनारस मेरा साथ दे। आप सुसे चेतना संपन्न व्यक्तित्वों की उपस्थिति, महनीय उपस्थिति में कविता पाठ करने का अवसर। स्वागत, स्वागत। पहली चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि सावली का रूप देख सावरे हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। नौजवान साथियों, जरा मुखर होके मेरा साथ देना। हिंदी कविता का सबसे छोटा विद्यार्थी हूँ, भाषा कथ्य और शिल्प के इतर अगर कुछ ओछी बात कहूँ तो वहाँ से खड़े होके कहना कि बजरंगी ठीक नहीं कह रहा हूँ। निवेदन कर रहा हूँ कि सावली का रूप देख सावरे हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावली की आंख देख बावरे हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जुलाल, गाल पे गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और मैं उस नौजवानी के बीच खड़ा हूँ जो नौजवानी भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है, वो भगत सिंह जिन्होंने कभी कहा कि मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। बाबा बाबा, ये कमजोर मत कीजिएगा। चौथी पंक्ति आपके आंगन में पढ़ता हूँ, यहाँ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक पहुँचाइए मेरी आवाज। निवेदन करना चाहता हूँ कि सावली का रूप देख सावले हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावली की आंख देख बावले हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जुलाल, गाल पे गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और तीन अंग भूल यदि तीन रंग याद रखा, तीन अंग भूल यदि तीन रंग याद रखा, रंग मीत प्रीत का उतार नहीं। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे प्रशांत भाई, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऊर्जावान लोगों को प्रणाम करता हूँ। हम लोग
उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में चहुं ओर से हमारे ऊपर सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे हैं, इसी दौर में आदरणीय शिवलिंग को लोग झरना बता रहे हैं, उस दौर में आपको अपनी संस्कृति और परंपरा के सम्मान में खड़ा होना है, संगठित होना है। और संगठित कैसे होइएगा, मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं। हमारे यहाँ एक बाबा विराजे हैं, विधर्मियों ने उन पर भी बहुत आरोप लगाए। मैं बिहार से आता हूँ, शायद मंगल कथा उस भागवत वाचन पर जहाँ हनुमंत कथा चल रही हो, मेरे पूज्य गुरुदेव आदरणीय बागेश्वर सरकार के चरणों में आपका प्रणाम पहुंचे। निवेदन करता हूँ कि हम पूजते हैं एक प्रेम का पवित्र पंथ, पंथ अनुकूल ही तो फूल पूजते हैं सब। दिव्य दृष्टि दानियों की अखंड है परंपरा, परंपरा का केवल मूल पूजते हैं सब। आदि से अनंत और मन के महंत पंथ, तन के तरंग से गंगकूल पूजते हैं सब। और गंगा के किनारे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा चित्तौड़ पहुँचाइएगा, आपको अपना प्रणाम और महाराणा के चित्तक को प्रणाम कीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूँ आपके कदमों में आपकी पंक्तियाँ, निवेदन कर रहा हूँ कि हम पूजते हैं एक प्रेम का पवित्र पंथ, पंथ अनुकूल ही तो फूल पूजते हैं सब। दिव्य दृष्टि दानियों की अखंड है परंपरा, परंपरा का केवल मूल पूजते हैं सब। आदि से अनंत और मन के महंत पंथ, तन के तरंग से गंगकूल पूजते हैं सब। पूजते हैं महाराणा का महान आन बान, चेतक के चरणों की धूल पूजते हैं सब। हे 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 हे, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, चेतक के चरणों की धूल पूजते हैं सब। आप सबसे ये बात आप अपने हैं इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं, जिस दिन आप अपनी संस्कृति और परंपराओं से विमुख होंगे, कमजोर पड़ेंगे, तो विधर्मियों का आरोप आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए संगठित होइए, अगर अपनी अस्मिता की रक्षा करनी है तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर रूप से संगठित होइए। आप संगठित नहीं थे तो आपके साथ क्या क्या हुआ, अगर आदेशित कर दें तो निवेदन कर रहा हूँ। स्वागत, सुनिएगा, ये मंच, ये काशी अगले तीन छंदों पर अगर मैं उत्सव न करा के जाऊँ तो प्रशांत बजरंगी का यह नारायण निरर्थक हो जाएगा। बेशक कि जिसने तभारती की भव्यता का मान रखा, उनकी ही पहचान पूछने लगे थे लोग। क्या बात है, अदृश्य एक दृश्य देख क्रोधित हुआ थमाए, प्रीत का ही परिधान पूछने लगे थे लोग। जानते हैं आन बान शान और प्राण, किंतु धर्म धरा का सम्मान पूछने लगे थे लोग। मैं अपनी पीड़ा पढ़ रहा हूँ, आपकी पीड़ा और मेरी पीड़ा एक जैसी हो तो बाजुओं में आक्रोश दिखे। निवेदन करता हूँ कि जिसने भारती की भव्यता का मान रखा, उनकी ही पहचान पूछने लगे थे लोग। अदृश्य एक दृश्य देख क्रोधित हुआ थमाए, प्रीत का ही परिधान पूछने लगे थे लोग। जानते हैं आन बान शान और प्राण, किंतु धर्म धरा का सम्मान पूछने लगे थे लोग। हिंदुओं का हिंद जब मूर्छित पड़ा था, तब मेरे राम का प्रमाण पूछने। वाह 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 भाई वाह, क्या बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह। आप सुनने वाले लोग जरा एक बार संगठित होकर आशीर्वाद दीजिए भाई। ये बनारस की दम जो है यार, क्या बात है, क्या कह दिया यार, वाह। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोगों ने तो आज दिन बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ईश्वरवादी लोग हैं, ईश्वर में आस्था होने के उपरांत आदरणीय वाल्मीकि जैसे खल पात्रों से भी रामायण की सिद्धि होती है। तब निवेदन करता हूँ एक छंद आपके कदमों में, यहाँ भाई साहब लोग खड़े हैं, जरा अपने वय के विद्यार्थी को आशीर्वाद दे दीजिएगा। निवेदन कर रहा हूँ कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी काली माँ घना दिया। राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी काली माँ घना दिया। पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के, उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो गुना दिया। कार सेवकों ने खाई थी कसम राम की, तो राम भक्त को भी घनघोर तारणा दिया। और किसने बात है, किसने राम का मंदिर बनवाया है, ये बनारस घोषित करे किसी न्यायालय, और उसके बाद ये जनता के न्यायालय में ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। निवेदन करता हूँ, आपकी संगठित ऊर्जा देखना चाहता हूँ बनारस। निवेदन कर रहा हूँ कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालिमा घना दिया। पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के, उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो गुना दिया। कार सेवकों ने खाई थी कसम राम की, तो राम भक्त को भी घनघोर तारणा दिया। यक्षवन राम के प्रत्यक्ष हुए राम जब, राम ने ही राम का वो मंदिर बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह।
राम ने ही राम का ये मंदिर बना दिया। क्या बात है यार प्रशांत, क्या बात है प्रशांत, वाह छा गए भाई, बहुत धन्यवाद तुमने यार हमारे बीएचयू का नाम रोशन कर दिया यार, वाह 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 वाह, स्वागत है भाई। एक बार मेरे आदर्श परम पूज्य महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्य पावन स्मृति है, जहां भी होंगे मुझे देख रहे होंगे, एक बार जरा पुरजोर तालियों से आप भी श्रद्धांजलि दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन कर रहा हूँ, पढ़ो भाई पढ़ो, निवेदन कर रहा हूँ, चार पंक्तियां फिर सुनिएगा आदरणीय, कि पूजता हूँ प्राण पूज परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ भ्रिकुटी और भव्यता भवानी की, अनग अनंत आसमान पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ वंदे मातरम गीत मीत संग जनगण मन का ही गान पूजता हूँ मैं, और देखना चाहता हूँ बनारस में हिंदुस्तान को धड़कते हुए। निवेदन कर रहा हूँ, पंक्तियां आपके कदमों में रख रहा हूँ, कि पूजता हूँ प्राण पूज परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ भ्रिकुटी और भव्यता भवानी की, अनग अनंत आसमान पूजता हूँ मैं, पूजता हूँ वंदे मातरम गीत मीत संग जनगण मन का ही गान पूजता हूँ मैं, और पूजता हूँ पवित्र प्रेम का परिणाम राम, राम का ही धाम हिंदुस्तान पूजता हूँ मैं। वाह बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, पूजता हूँ मैं एक संकल्प के साथ कविता की यात्रा कर रहा हूँ, ये कार सेवकों की यात्रा, उस यात्रा के उपरांत जो मंदिर बन रहा है, आप सबसे क्या मांगता हूँ, निवेदन करता हूँ, चार पंक्तियाँ पुनः, कि ले पावन पुनीत परमात्मा प्रतीक पृष्ठ आप सर्व तीर्थ सर्वधाम के लिए चलें। वाह, ले पावन पुनीत परमात्मा प्रतीक पृष्ठ आप सर्व तीर्थ सर्व धाम के लिए चलें, सरयू की लहरों से शुद्ध कर तन मन शिला शीश रख प्रभु काम के लिए चलें, अवध में आए हैं अवधपति आज फिर शंखनाद कर शालिग्राम के लिए चलें, और करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि आप सब राम 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 के लिए चलें। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह।